गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी जरूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और जिंदगी से रिश्ता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। कच्चे तेल की कीमत 15 महीने के निचले स्तर पर आई। $70 प्रति बैरल हुआ कच्चे तेल का दाम, लेकिन देश में आम जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने की नहीं है उम्मीद। अमेरिका और यूरोप में बढ़ते बैंकिंग संकट की वजह से घटे कच्चे तेल के दाम, तेल कंपनियां जुटी हैं अपने घाटे की भरपाई करने में। वैश्विक आर्थिक हालात आगे बने हुए हैं अनिश्चित, इसलिए सरकार अभी अपना रही है वेट एंड वॉच की रणनीति। एक बार फिर बढ़ने वाली है महंगाई। एनएमडीसी ने बढ़ाए आयरन और लंप और फाइंस के दाम। आयरन और लंप का दाम 100 रुपये बढ़कर हुआ 4500 रुपये टन। आयरन और फाइंस के दाम 200 रुपये बढ़कर हुए 4110 रुपये प्रति टन। स्टील बनाने में आयरन और एक प्रमुख कच्चा माल है, इसके महंगे होने से स्टील के दाम भी बढ़ेंगे। तेज हुए एयरटेल और जियो के बीच जंग। रिलायंस जियो को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के लिए भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया आकर्षक फैमिली पैक। एयरटेल ने अपने पोस्टपेड फैमिली प्लान के एंट्री लेवल टैरिफ में की कटौती। कंपनी ने प्रीपेड ग्राहकों को पोस्टपेड की ओर आकर्षित करने के लिए उठाया ये कदम। फैमिली पैक में परिवार के सभी सदस्य एक प्लान में डेटा, कॉल, SMS आदि का कर सकेंगे उपयोग। बेमौसम बारिश और हेलस्टॉर्म से बागवानी फसलों को हुआ भारी नुकसान। रबी सीजन की खड़ी फसलों पर भी पड़ा असर। सरकार ने भी माना बेमौसम बारिश और हेलस्टॉर्म से गेहूं की खड़ी फसल को पहुंचा नुकसान। राज्य सरकारें कर रही हैं नुकसान का आकलन। स्काई मेट ने जताया इस बार अल नीनो के आने का पक्का अनुमान। इस वजह से मानसून की बारिश सामान्य से रह सकती है कम। देश में बेरोजगारी की समस्या घटने के बजाय बढ़ रही है। EPFO ने जनवरी में 7.7 लाख नए सदस्य जोड़े। पहली बार रोजगार पाने वालों का मासिक आंकड़ा 20 महीने के निचले स्तर पर रहा। दिसंबर में यह आंकड़ा 8.4 लाख था। 10.62 लाख सदस्यों ने दोबारा ली EPFO की सदस्यता। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन के बराबर लाभ। कर्मचारियों ने एक बार सप्ताह से जारी की हड़ताल को किया खत्म। NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन व्यवस्था के बराबर मौद्रिक लाभ। पुरानी पेंशन के बराबर लाभ देने से राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा बोझ। भारत की सिर्फ 24% कंपनी है साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए तैयार। सिस्को ने एक सर्वे में किया इस बात का खुलासा। सिस्को की है अगले 3 साल में भारत में करीब 5 लाख साइबर सुरक्षा पेशेवरों को प्रशिक्षण देने की योजना। सर्वे में शामिल 90% कंपनियों के अगले 12 से 24 महीने में साइबर सुरक्षा से जुड़े मसलों का सामना करने की है आशंका। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक वृद्धि दर बेहतर रहने की उम्मीद। आने वाले समय में खुदरा महंगाई के नरम होने की है उम्मीद। वित्त मंत्रालय ने जताया अपना अनुमान। देश के चालू खाते का घाटा भी घटने का है अनुमान, इससे रुपए को मिलेगा समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिंसों के दाम में गिरावट और सरकार के उपायों से महंगाई का दबाव भी हुआ कम। रिजर्व बैंक ने RBL बैंक पर लगाया 2.27 करोड़ रुपए का जुर्माना। कर्ज वसूली एजेंट से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। केंद्रीय बैंक ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन पर कई सहकारी बैंकों पर भी लगाया जुर्माना। नियमों के अनुपालन के स्तर पर खामियों को लेकर लगा है जुर्माना। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली बिल में आएगी कमी। केंद्रीय बिजली मंत्री ने उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उपयोग करने का किया अनुरोध। इससे बिजली बिल में आ सकती है 2.5% तक की कमी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से बिजली कंपनियों के लिए परिचालन और वित्तीय लागत हो जाती है कम। काले धन पर सरकार लगातार कर रही है सख्ती। आयकर विभाग ने चोरी करने वालों को भेजे 13,566 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस। कुल 349 मूल्यांकन आदेश किए गए हैं जारी। कर अधिकारियों ने पिछले 8 सालों में 5,931 समूहों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाकर जब्त किए 8,830 करोड़ रुपए की संपत्ति। वित्तीय प्रबंधन नहीं होने के कारण रोकना पड़ा मुद्रा पेट्रो रसायन परियोजना का काम। अदानी समूह ने खबरों का किया खंडन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुए नुकसान के बाद परिचालन को मजबूत करने और निवेशकों की चिंता दूर करने का लगातार प्रयास कर रहा है समूह। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन 9,000 और कर्मचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। कंपनी ने इतिहास में किया ये दूसरी बार सबसे बड़ी कटौती। कंपनी ने इससे पहले इसी साल जनवरी में की थी 18,000 कर्मियों को बाहर निकालने की घोषणा। साल 2023 में कंपनी कम से कम 27,000 कर्मचारियों की करेगी छटनी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को IPO के लिए सेवी ने दी हरी झंडी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है इसमें निवेश। IPO में 500 करोड़ रुपए तक के नए शेयर किए जाएंगे जारी। कंपनी के प्रमोटर और मौजूदा शेयर धारक भी बेच सकेंगे अपने शेयर। कंपनी IPO से पहले 100 करोड़ रुपए तक का निजी नियोजन लाने पर भी कर रही है विचार।
हुंडई ने बाजार में उतारा वर्ना का नया संस्करण, कीमत होगी 10.89 लाख रुपए से शुरू। नई वर्ना देगी होंडा सिटी, स्कॉडा स्लाविया, फॉक्स वैगन और मारुति सुजुकी सियाज को टक्कर। हुंडई ने भारत में पहली बार 2006 में किया था वर्ना को पेश। कंपनी ने घरेलू बाजार में बेची है वर्ना की 4.65 लाख इकाइयां। नोकिया ने भारत में लॉन्च किया किफायती C12 प्रो फोन। इसकी कीमत है 6,999 रुपए और 7,499 रुपए। इसमें है 6.3 इंच का HD+ डिस्प्ले। सभी रिटेल स्टोर और प्रमुख ई कॉमर्स वेबसाइट पर मिलेगा ये फोन। तो फिलहाल आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।